हरियाणा विधानसभा के चुनावी दंगल में अपना मैनिफेस्टो निकालने वाली पहली पार्टी कांग्रेस रही, जिसने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें इस बार कांग्रेस ने महिला, किसानों व गरीब तबके के लोगों का खास ख्याल रखा है। किंतु इसके अगले दिन ही अर्थ प्रकाश संवाददाता ने पंचकुला की जनता से मैनिफेस्टो को लेकर कुछ सवाल जवाब किए। चलिए आपको दिखाते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जनता का क्या कहना है। आपका नाम? बुधराम बंसल। बंसल जी, आपको पता है जैसे अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें कई चीज़ें जो हैं वो डाली हैं, कई जैसे महिलाओं के ऊपर हो गया, बिजली देंगे कहते फ्री, रोज़गार गरीबों के लिए जो है वो देंगे, उन पे से कर्ज जो है वो माफ़ करेंगे, तो क्या आपको लगता है अगर उनकी सरकार आती है तो ये सब चीज़ें वो कर पाएंगी? सर, पहली बात तो सरकार आने के कोई चांसेज ही नहीं है, अगर आ भी गई तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सेंटर से उनको कोई भी पोजीशन नहीं है कि वो कर पाएँ किसी चीज़ के लिए, क्योंकि सेंटर सरकार जो होती है बीजेपी की सरकार ही आज में हमारे हिसाब से तो हरियाणा में आए तो अच्छी है, वो आएगी भी। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप कह रहे हैं जैसे बीजेपी सरकार आएगी, है ना, तो क्या चीज़ें हैं जो बीजेपी सरकार की जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं कि आप उन्हीं को ही वापस देखना चाहते हैं? बीजेपी की पर्सनल मत देखिए, बीजेपी का तो ये है कि देश के लिए जो कर रहे हैं, आज वर्ल्ड में हमारा देश का नाम हो रहा है, आज तक हमें ये पोजीशन नहीं मिली, जो हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट से आज वेलकम होता है उनका, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा देश का नाम हो रहा है। बाकी गरीब जो लोग हैं वो तो बीजेपी सरकार से खुश ही हैं। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम पूर्ण सिंह जी, मैं लोकल पंचकुले से हूँ, सेक्टर 4 हरिपुर से जी। तो अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो निकला है और उन्होंने कई वादे किए हैं, जैसे महिलाओं को रोज़गार देंगे, उनकी सुरक्षा बढ़ाएंगे और कर्ज माफ़ी भी बहुत उन्होंने बोला है कि करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगर इनकी सरकार आएगी तो ये सब काम वो करेंगे? अभी देखो, मैनिफेस्टो मैंने तो पढ़ा नहीं है जी, देखो जी अब उसमें क्या क्या है, बाकी जो भी है वो तो चलो वादे तो हर पार्टी करती है, सब पार्टी करती है वादे, तो बाकी ये है कि अब जो जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो पढ़ने से पता चला क्या क्या वादे इन्होंने किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पंचकुला में किस पार्टी का जोर जो है वो सबसे ज़्यादा है? पंचकुला में वैसे तो देखो पार्टी बीजेपी का तो भाई है, बाकी अब ये चंद्रमोहन द्वारे खड़े हुए हैं उसका वो फर्क पड़ता है, कई सालों के बाद आए हैं, वैसे तो पंचकुले के लोकल लीडर हैं, ये ज्ञानचंद गुप्ता जी भी लोकल ही आए, पर अब जो बीजेपी ने पैर बना लिए हैं यहाँ से बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, बाकी कांग्रेस का पहले था यहाँ पे काफ़ी कुछ था पर बीच में बेकार हो गई थी। जो वादे किए हैं कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, अगर उनकी सरकार आती है तो क्या आपको लगता है कि वो वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे? अवश्य पूरा करेगी जी, जब उन्होंने कहा है तो करना चाहिए, आगे तभी वो प्रोग्रेस होगी। तो अभी जैसे बोल रहे हैं कि पंचकुला में बीजेपी का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है, हाँ, है ना, तो उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी अभी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है पहले जो सरकार ने वादे किए थे 5 साल पहले, हाँ, वो अभी पूरे करे हैं उन्होंने? अभी पूरे नहीं किए, ना आगे होने के उम्मीद है। क्या क्या वादे हैं जो आपको लगता, हाँ, है कि पूरे नहीं किए? बस सारे जो रोजगार वाले समझ लो, अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है, बाकी जो आपको पता ही है कि इन्होंने कुछ भी मतलब घपले भी करे हैं, सब कुछ हुआ है। आपका नाम? बलजीत जी। बलजीत जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो निकल गया है और उन्होंने कई वादे करे हैं, जैसे बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, उसके ऊपर का आधा कर देंगे, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, रोज़गार देंगे, उसके बाद पेंशन योजना भी उन्होंने निकाली है, तो क्या आपको लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ये वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे? नहीं, कौन करेगा जी, झूठ बोल रहे हैं। तो काम देखो जी, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है जी, खट्टर सरकार जी, हमारा हल्का इस हार में जाके देख लो जी, जमा चमका रखा है, हमारे गांव का वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, इससे बढ़िया सरकार नहीं आनी जी। ये कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं कांग्रेस द्वारा वो करेंगे पूरे अगर सरकार आती है तो? नहीं करते। और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो से उन्होंने भी मैनिफेस्टो निकाला था 5 साल पहले, तो क्या उन्होंने अपने वादे पूरे करे हैं? पूरे करे, कुछ करे कुछ नहीं करे। इनका ये है कि कांग्रेस का ये है कि भी वो कहते हैं 10% वादे पूरी बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, नहीं हो पाते। तो बाकी इनके लीडरों ने कांग्रेस का पट्टा बढ़ाया, तो इस बार इसलिए कांग्रेस को देने का वोट का फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये मेजोरिटी में आएंगे नहीं,
और इस टाइम वेव जो है वो इस टाइम बीजेपी की चल रही है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।